कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है काफ़ी स्पेशल ब्लॉग है मेरे लिए, क्योंकि आज है करवा चौथ और मैं भी करवा चौथ का फास्ट हर साल की तरह रख रही हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने कल से ही सारी तैयारियाँ कर ली थी कंप्लीट। बाहर से हम सामान लेके आ गए थे और पूजा का सामान और जो भी हमें चीज़ें आज बनानी है खाने में, वो सबकी तैयारी मैंने ऑलरेडी कर ली है। पूजा की तैयारी मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाली हूँ। और मेहंदी मैं घर में ही लगा पाई, इस बार बाहर नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, बाहर लगाना रिस्की है। मेहंदी लेडीज़ लगा रही थी लेकिन फिर मैंने सिर्फ कोन लेना ही प्रिफर किया। मैं दो कोन लेके आ गई थी कल और फिर मैंने नाइट में बैठ के लगाई। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे मेहंदी लगाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेफ़्ट हैंड में है, लेफ़्ट हैंड में फिर भी थोड़ा सा ठीक लगी है, ठीक ठाक लग गई है। ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। और ये मैं बैंगल्स लेके आई थी कल, रेड कलर का नेल पेंट लगाया है मैंने। ये राइट हैंड में है, राइट हैंड में बिल्कुल भी नहीं लगी है क्योंकि लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगाना बहुत ही मुश्किल है। बैक साइड में इस तरीके से लगी है। इस बार मैंने पैरों में भी मेहंदी लगाई है फर्स्ट टाइम अपने आप ही, और ठीक ठाक लग गई है फ्रेंड्स। तो अभी पूजा की तैयारी मैं करूँगी थोड़ी देर में, और इसके लिए मैं साड़ी इवनिंग के लिए सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ। और साड़ी और सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली है, इवनिंग में अच्छे से तैयार होंगी और फिर नाइट में चाँद को देखने के लिए हम छत पे जाएंगे क्योंकि वहाँ से सही से दर्शन हो जाएंगे चाँद की, और फिर पूजा भी करेंगे उसके बाद। और खाने की तैयारी मैं पूजा के बाद ही स्टार्ट करती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि बनाने हैं 5-6 आइटम्स तो फिर बनाने में टाइम लगेगा। तो सोच रही हूँ पूजा फटाफट से इनमें निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। फिर लास्ट में जब हम छत से चाँद देख के आएंगे तो सिर्फ पूरियाँ ही सेकने के लिए रहेंगी, तो फिर ईजी रहेगा मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर पूजा में, और आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अपने एक्सपीरियंस, बताइए कि आप किस तरीके से पूजा करते हैं और करवा चौथ में आप किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा। और मिलते हैं फिर पूजा में। अब मैं करवा चौथ के लिए तैयार हो जाती हूँ। मैंने ये ऑरेंज कलर की साड़ी मैंने पहनी है और इसके साथ ज्वेलरी मैं गोल्डन कलर की पहनूंगी। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है, उसको अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे और इसके बाद हम लोग मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ लोटस का। इस फाउंडेशन को भी मैं हैंड की हेल्प से ही इक्वली अच्छे से लगा लूँगी। नेक पे भी मैंने लगाया फाउंडेशन ताकि फेस और नेक का कलर सेम लगे। अब ये मैं लोटस का ही कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ, इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ऑल ओवर द फेस। और उसी तरीके से नेक पे भी लगा देंगे। मैं लाइट मेकअप ही करती हूँ, मैं ज़्यादा हैवी मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ, तो जो सिंपल और सोबर लगे तो मैं ऐसा ही मेकअप कर रही हूँ। मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी नेक पे भी लगा रही हूँ जैसे मैंने फेस पे लगाया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्रीफिक्स का ये आई शेडो। तो आई शेडो में ऑरेंजिश टाइप का मैंने आई शेडो लिया है, ऑरेंजिश कलर, और मेरी साड़ी में जो ऑरेंज और गोल्डन कलर है तो दोनों ही कलर मैं यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने गोल्डन कलर लिया है, तो गोल्डन कलर मैं अपनी आईलिड पे पूरा लगा दूँगी अच्छे से। इसको जो इसमें ब्रश होता है उसकी हेल्प से ही मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी बोथ द आईज। जब भी आप आई शेडो लगाएं तो आपको नीचे ही देखना है, नीचे मिरर करके नीचे ही देखना, वरना आपका आई शेडो नहीं सही से नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं हाथ में मिरर पकड़ के देख रही हूँ नीचे की तरफ और फिर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ।
अब मैंने ऑरेंज आई शेडो लिया है और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। दोनों कॉर्नर से हमें अंदर की साइड उसको लगाना है और उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है। दूसरी आई पे भी हमें सेम तरीके से अप्लाई करना है। अभी मैं ब्लैक कलर की आईब्रो पेंसिल यूज करूंगी अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए। मैं ब्लशर यूज कर रही हूँ पिंक कलर का चीक्स को हाईलाइट करने के लिए, चीक बोन को हाईलाइट करने के लिए। अब मैं काजल लगाऊंगी, काजल मुझे बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा थिक काजल ही लगाऊंगी आज। फाइनली मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी, तो हेयर स्टाइल मैं सिंपल ही बनाऊंगी जो इजीली मुझसे बन जाए। तो मैं जूड़ा बनाऊंगी, ये जूड़ा डोनट की हेल्प से बनता है तो इसमें डोनट का यूज़ होता है। तो पहले मैं ये अपने हेयर साइड से, फ्रंट साइड से, दोनों साइड से हेयर ले लूँगी थोड़े थोड़े, उनको छोड़ देंगे और फिर बैक साइड से जूड़ा आप बना लेंगे ऐसे डोनट को बीच में रख के। ये बहुत ही सिंपल और ईजी है और हर कोई इसको ईजीली बना सकता है विदाउट एनी वन एल्स हेल्प। तो ये बन गया, अब इसको पिन से सिक्योर कर लेंगे ऑल साइड से, 3 या 4 पिन से आप सिक्योर कर लोगे फिर जैसे मैं कर रही हूँ यू क्लिप से, और बेबी पिन से आप इसको सिक्योर कर लेंगे 4 साइड से। क्योंकि मेरे बाल कर्ली हैं तो फिर मैंने ये स्ट्रेटनर से अपने हेयर को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही हूँ, फिर इन हेयर को ही हम ऐसे रोल करके बैक साइड में जूड़े के साथ ही इसको भी पिन कर देंगे, पिन अप कर देंगे। अब ये मैं पीछे लेके गई हेयर को, फिर इसको भी मैं बेबी पिन की हेल्प से रोल करके साइड से इसको भी जूड़े के साथ पिन कर दूंगी। दोनों साइड से ही ऐसे ही करना है। तो मेरा जूड़ा रेडी है, बेबी पिन लगा लेते हैं 1-2 और, ताकि हेयर आपके ख़राब ना हो। और ये मैंने लगा लिए बेबी पिन्स, ये इस तरीके से दिखेगा आपको कुछ। अब लिपस्टिक लगा रही हूँ लास्ट में। मेरा बेटा भी आ गया था, वो भी मेकअप करना चाह रहा था तो उसने भी अपनी आईज़ पे आई शेडो अप्लाई कर लिया। छोटा है अभी तो काफ़ी एक्साइटेड रहता है कि जो मम्मा कर रही वो भी करे। अब बिंदी लगा ली है मैंने रेड कलर की, फैंसी बिंदी, और लिपस्टिक भी लगा ली है। सिंदूर मैंने पहले से भी लगा रखा था लेकिन फिर से मैंने लगा दिया ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। अभी ये टीका पहन रही हूँ मैं, इयररिंग भी मैं चेंज कर रही हूँ। और ये हमारी नथ होती है पहाड़ियों की, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है नथ का, इसको पहनना ज़रूरी होता है फेस्टिवल में, तो मैं दिवाली पे भी पहनती हूँ और करवा चौथ पे भी। अब मैंने पूजा की तैयारी कर ली है, पूजा का मंदिर मैंने सजा दिया है, अब मैं पूजा कर रही हूँ। मैंने 2 करवों पे पानी रखा है अलग अलग, एक पे सूर्य देवता के लिए और दूसरा चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए, और एक पे मैंने कलश की स्थापना की है एक तांबे के लोटे पे, और बाकी हमने फूल और फल ये सारी चीज़ें चढ़ानी है।
और हमें करवा चौथ माता की ये जो हम मैंने कैलेंडर लगा रखा है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, मिल जाता है हमें, और इसकी कथा की बुक भी मिलती है, आप बुक से भी पढ़ सकते हो और कैलेंडर पे भी कथा लिखी होती है, उस कथा को ही पढ़ लो तो वो भी काफ़ी है। तो मैं कैलेंडर पर लिखी जो कथा है वही पढ़ रही हूँ। और सबसे पहले मैंने गणेश जी की पूजा की, उसके बाद ये कथा पढ़ी, और फिर मैंने शिव और पार्वती की भी पूजा की। अब मैंने पूजा के बाद ये करवा का जो प्लेस होता है वो चेंज करना होता है हमें, तो इधर वाले करवे को उस प्लेस पे रख दूँगी, उस वाले करवे को इस वाले प्लेस पे रख दूँगी। और अब मैं पूजा के बाद सूर्य देवता को पानी चढ़ाऊँगी, तो अब मैं वही पानी लेके सूरज को पानी चढ़ाऊँगी। तो मैं पानी चढ़ा के आ गई हूँ, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है करवा चौथ की। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरी पूजा हो चुकी है, और अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। थोड़ा सा हाफ तो मैंने बना लिया था, अभी जो बाकी रह जाता वो जल्दी से मैं कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम जाएंगे छत में। मून निकलने का वेट है और छत में जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा नथ क्यों पहना हुआ है इसने, तो ये हमारी होती है पहाड़ियों की नथ होती है, जो कि हमें शादी में मिलती है, शादी के टाइम की नथ है मेरी ये। तो ये फिर मैंने अभी भी डाली है, और दिवाली पे भी इसको मैं डालती हूँ, या कोई भी अच्छा जो हमारा बड़े फेस्टिवल्स होते हैं हमारे में, उसमें ये हम नथ पहनते हैं और सारी चीज़ें पहनते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहनी हुई है गोल्ड की सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर मून की पूजा में। अभी मुझे लग रहा है चाँद निकला नहीं है, तभी मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है नीचे, अब कितना और वेट करना पड़ेगा देखते हैं फ्रेंड्स। और आप सब लोग भी वेट कर रहे होंगे चाँद का काफ़ी। बस खाने का तो इतना मन नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। खाने का मुझे कोई वो नहीं है इतना, लेकिन प्यास बहुत लगी हुई है मुझे। बस अब वही वेट कर रहे हैं कब चांद निकले, कब पूजा करें और फिर व्रत को तोड़े। तो अब मैं रूफ पे आ गई हूँ, चांद निकल आया है फाइनली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऑरेंजिश कलर में। लेकिन छत पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, तो दिए को बहुत ही कॉर्नर में मैंने रखा है ताकि वो बुझे ना, फिर भी एक बार बुझ गया था तो मैंने फिर जला दिया था। अब मैं चांद की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद उनको पानी चढ़ाऊंगी।
फास्ट मैंने तोड़ दिया है। चांद आ गया था और हम छत में गए थे और बहुत ज़्यादा वहाँ पे हवा चल रही थी, तो दिया भी बुझ गया था एक बार, फिर से मुझे जलाना पड़ा, लेकिन फिर हो गया अच्छे से, चांद दिख गया था मुझे। लेट आया लेकिन अच्छा, अच्छे दिख गए थे चांद मुझे। पूजा करके मैं अब घर में वापस आ गई हूँ। अब हस्बैंड जी पूरी बना रहे हैं मेरे लिए। मैंने उनको बोला मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप मेरी हेल्प कर दो, थोड़ा पूरी बना दो, फिर वो मेरे लिए बना देंगे, तो उसके बाद मैं उनको उनके लिए बनाऊँगी। था आज का ब्लॉग। तो फिर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई न्यू वीडियोस। आई विल बी मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन। बाय बाय।